तो दोस्तों आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक दो और तीन ट्राइपॉड दिख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो नए नए यूट्यूब पर आए हैं और उनको ट्राइपॉड की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों वो लोग अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि हमको कौन सा ट्राइपॉड लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस ट्राइपॉड का बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता है और कौन सा ट्राइपॉड कितने में मिलता है। तो दोस्तों मैं उन सभी को आज इस वीडियो के अंदर सभी ट्राइपॉड दिखा करके और दोस्तों उनका बिल्ड क्वालिटी कैसा है और कौन सा उनको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, मैं इन सभी चीजों को आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान लैंग्वेज में क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरह के वीडियो हम अपने चैनल पर लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास कोई ट्राइपॉड है तो हम उसका यूज कैसे करेंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नए नए यूट्यूब पे चैनल क्रिएट करते हैं और वो जल्दी से जल्दी करके अपने ट्राइपॉड को परचेज भी कर लेते हैं लेकिन उसका उनको सही तरीके से यूज करना नहीं आता। तो दोस्तों मैं इसीलिए आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। तो दोस्तों मान लीजिए हमने इस ट्राइपॉड को परचेज कर लिया और अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका हम सही से यूज कैसे करें। तो दोस्तों जिससे हमारा एक अच्छे से सेटअप हो पाए, जिससे हमारा कैमरा बिल्कुल स्टेबलाइज रहे, बिल्कुल मूव ना करे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जब इसको परचेज करेंगे तो इसके साथ में एक ये मोबाइल होल्डर मिल जाएगा दोस्तों, और एक इस तरह से आपको ट्राइपॉड मिल जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसको हम किस तरह से अपने इस ट्राइपॉड में किस तरह से लगाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक इस प्रकार का हैंडल मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको हम सबसे पहले ऊपर करेंगे, तो ऊपर करने के लिए इसको हमको ढीला करना पड़ता है। ढीला करने के लिए दोस्तों इसको हम लेफ्ट में मूव करेंगे तो ये हमारा ढीला हो जाएगा। इस तरह से हम इसको ढीला करके ऐसे हम इसको ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठाने के बाद दोस्तों हम इसको यहाँ पे टाइट कर लेंगे जिससे ये दोबारा से मूव ना करे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे में एक होल बना होगा स्क्रू टाइप का यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है। इसमें हम दोस्तों इसको लगा करके इसमें टाइट करेंगे। तो चलिए हम इसको टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें लगाने के बाद, होल्डर को लगाने के बाद, अब हम आएंगे इसको ओपन करेंगे। इस तरह से ये ओपन होता है। अब हम दोस्तों इसको इस टेबल पर रख के आपको बताते हैं कि कैसे इसको इस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों अब हम इसको यहाँ पे हमारे तीन स्टैंड दिए होते हैं, तीनों स्टैंड को हम कैसे खोलते हैं। यहाँ पे लॉक दिया होता है, इस लॉक को हम ओपन करेंगे तो हमारा जो पहला स्टैंड है ये निकलेगा। उसके बाद दोस्तों इसको हम फिर से लॉक कर देंगे, फिर दूसरे वाले को अनलॉक करेंगे, इसको खींचेंगे, इस तरह से ये निकल के आएगा। अब इसको फिर से हम अनलॉक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम तीसरे वाले को अनलॉक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ये ऐसे ओपन होगा। इसी तरह से दोस्तों हम इन दोनों को भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जो कि बहुत ही लंबा है दोस्तों। ये आपको इतना बड़ा मिलेगा और इसको हम और भी ऊंचा कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों और ऊंचा नहीं करेंगे। और ऊंचा करेंगे दोस्तों हमारी हाइट यहाँ से नहीं पहुंच पाएगी इसको बताने के लिए। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इन सभी ट्राइपॉड के प्राइस के बारे में और इन बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग पहली बार ट्राइपॉड को परचेज करेंगे, अगर आप लोग अभी तक इससे पहले कभी भी ट्राइपॉड को नहीं परचेज किया है, तो दोस्तों आप इस ट्राइपॉड को ले सकते हैं जिसका नाम है द प्रिंटिंग जोन 310 ट्राइपॉड। तो दोस्तों अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये अमेजोन पे 389 मतलब 389 रुपए में अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आप मोबाइल फोन और DSLR कैमरा दोनों ही दोस्तों आप इसमें यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसको जो हाइट की हम बात करें, इसको हम कितनी हाइट तक यूज कर सकते हैं, तो दोस्तों इसमें मिनिमम हाइट 14 इंच है और जो मैक्सिमम हाइट है वो 40 इंच तक आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों अपने हिसाब से आप जिस भी कैटेगरी की वीडियोज को बनाते हैं, जिस भी तरह की वीडियोज को बनाते हैं, अगर दोस्तों आप इस हाइट में एडजस्ट कर सकते हैं तो दोस्तों आप जरूर ही इसको ही परचेज करें, क्योंकि दोस्तों इसका प्राइस भी बहुत कम है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। दोस्तों इसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन में केवल एक कलर मिलेगा, सिल्वर एंड ब्लैक में। इसका दोस्तों जो मटेरियल है वो है एल्युमिनियम। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एल्युमिनियम मटेरियल का यूज इसमें बनाने में किया गया है। अब दोस्तों आते हैं हम अपने सेकंड ट्राइपॉड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड ट्राइपॉड है वो है साइवो WT3130 एल्युमिनियम ट्राइपॉड। दोस्तों ये अमेजोन पे 799 में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप DSLR यूज करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, सबसे कम प्राइस में DSLR को आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको हर एक चीज का अलग अलग यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि किस तरह से कौन सी चीजों को यूज करना है। इसमें आप DSLR कैमरा, मोबाइल फोन और GoPro भी इसमें आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका बजट 799 का है तो दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको ही परचेज करें। मैंने भी इसको भी बहुत ही चलाया दोस्तों, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा। दोस्तों मैं भी इसको यूज कर रहा हूँ दोस्तों इस समय, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए,
मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।